अगर आप भी अपने दिमाग से किसी पर्सन को निकाल नहीं पा रहे हैं तो इसकी वजह क्या हो सकती है? मैं 3 ऐसे कारण बताऊंगी जिससे आप अपनी सिचुएशन को रिजोनेट करेंगे और क्लियर हो जाएगा कि अगर वो पर्सन इसी इंटेंशन से आपकी लाइफ में आया था या अभी भी उसके दिमाग में ये चीजें चल रही हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये टॉपिक आप सबकी फेवरेट टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा। हेलो एंड हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं, खुद का ध्यान रख रहे हैं एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि आप सभी बहुत ज्यादा हेल्दी हैं और अपनी अपनी सोल पर्पस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है कि अगर कोई पर्सन आपके दिमाग से नहीं निकल रहा है तो क्या वजह हो सकती है। अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड है तो वीडियो में इंट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन है जिसे ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ या चैनल से रिलेटेड कोई भी नया अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप वीडियो को वॉच कर पाए। अब जानते हैं कि वो क्या वजह है। पहला कारण ये हो सकता है कि आप किसी नेगेटिव सिचुएशन में फंसे हुए थे, आपने कहीं से धोखा खाया था, किसी भी तरह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ था और उस टाइम पे ये पर्सन आया, आपको बहुत अच्छे से संभालता है, आपकी केयर करता है और उसी दौरान आप इनसे बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं। वैसा नहीं है कि सामने वाला आपसे अटैच नहीं है, वो भी है, बट आपके जितना नहीं है, क्योंकि आपको सहारा मिला है, आपको सपोर्ट मिला है, आपको एक कंधा मिला है जिसके सहारे आप खुद को बहुत स्ट्रांग फील कर सकते हो। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आप किसी के सहारे स्ट्रांग नहीं हो सकते, आप किसी के सहारे पॉजिटिव नहीं हो सकते, आप किसी के सहारे आगे नहीं बढ़ सकते। आपकी लाइफ में जब भी अच्छी चीजें होंगी ना, तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप होंगे और सेकंड परमात्मा हो सकते हैं। इसलिए आप इतनी जल्दी किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि यहाँ से फिर से शुरू होता है आपकी लाइफ का वो अध्याय जिसमें फिर से आप धोखा खाते हैं, फिर से नेगेटिव होते हैं और ये बार बार आपके साथ रिसाइकल होते रहता है। और ऐसा तब तक होता है जब तक आप पूरी तरह से ऐसे लोगों से अपना भरोसा उठा न दें। जी हाँ, अगर आप अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हैं तो इतनी जल्दी किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करें, चाहे वो पर्सन कितना भी अच्छा हो। आपको इतनी जल्दी इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। कोई मदद कर रहा है तो आप भी एक टाइम के बाद उसकी मदद कर सकते हैं। कोई इमोशनल है आपके लिए तो आप भी थोड़े टाइम के बाद हो सकते हैं, लेकिन इतनी जल्दी डिसीजन लेके 9-10 महीने में ऐसा कुछ ना कर गुजरे कि आपको लाइफ टाइम के लिए गिल्ट फील हो। दूसरा कारण वो आपका कार्मिक हो सकता है, क्योंकि कार्मिक लोग हमारी लाइफ में बहुत पैशनेट होके आते हैं। आपको ऐसा फील कराएंगे, ऐसा रियलाइज कराएंगे कि आपसे ज्यादा बढ़ के उसकी लाइफ में कोई और पर्सन है ही नहीं, जो है आप है, अदरवाइज उसकी लाइफ ही खत्म है, आप गए तो उसकी जिंदगी भी चली जाएगी, ऐसा रियलाइज कराता है वो पर्सन। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, ना तो वो आपके लिए लॉयल होता है और ना ही आपके लिए थोड़ा सा भी उसके दिल में प्यार होता है, बल्कि वो अपना पास्ट लाइफ कर्मा हील करने आया होता है और जैसे ही उसका मतलब पूरा होता है आपसे हीलिंग करके आपकी एनर्जी को पूरी तरह से खराब करके आपको वर्स्ट करके वो चला जाता है। अब ये ऐसा टाइम होता है आपकी लाइफ में कि आप इतने टूट चुके होते हैं कि आपको समझ नहीं आता है क्या करें, ना तो आप अपनी फैमिली में किसी से शेयर कर सकते हैं और ना ही अपने आप को समझा पाते हैं कि एक्चुअली में आपके साथ हुआ क्या और क्यों आपने ऐसा क्या किया था। तो इसका आंसर है कि जो भी होता है ना वो अच्छे के लिए होता है, ठीक है। अगर आपको ये सबक नहीं मिलता तो आप ऐसे ही भोले भाले सेंसिटिव बने रहते और आपका फायदा लोग उठाते रहते। ये पर्सन आपकी लाइफ में इसीलिए आया ताकि आप स्ट्रांग हो। आप लाइफ में ऐसे पर्सन के ऊपर भरोसा ना करें जो आपके लिए सही है ही नहीं। तीसरा कारण कि उस पर्सन ने जो करना था सब कुछ कर लिया। अब इन सब कुछ में सब कुछ आता है, क्योंकि मेरे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिनके एक्सपीरियंस है कि लोग झूठे वादे करते हैं, झूठी शादियां तक कर लेते हैं और जो भी होता है सब कुछ करके और लाइफ से निकल लेते हैं।
ऐसे लोगों से बच के रहिए। अब आपके दिमाग से ये पर्सन क्यों नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि आप उसके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे, आप उसके लिए लॉयल थे। आपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये पर्सन आपके साथ चीट करेगा, ये पर्सन आपको छोड़ के चला जाएगा, और वो चीजें आपके साथ हो गई। तो आप इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और आपकी बातें भी अधूरी रह गई। आप चाहते हैं कि वो पर्सन एक बार मिले, मैं अपनी बातें बोलूं, मैं क्लियर करूं कि मेरी गलती कहां थी। ये वजह है कि आप उस पर्सन को अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे हैं। अच्छा होगा कि आप खुद की हीलिंग करें और लाइफ में आगे बढ़ें। ऐसे लोगों का इंतजार करके आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। आपके लाइफ में और भी लोग हैं, आपके पेरेंट्स हैं जो सच में आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आपके भाई बहन, आपके जो भी रिलेटिव हैं। ठीक है, वो लोग बहुत ज्यादा प्यार तो नहीं दे सकते, लेकिन इतना बड़ा चीट भी नहीं करेंगे। ये आप क्यों नहीं समझते? आपके अपनों से बढ़ के आपके लिए कोई नहीं हो सकता। इसके अलावा भी बहुत सारे संकेत होते हैं जो आपको तब मिलते हैं जब सामने वाला व्यक्ति भी आपको याद कर रहा होता है, वो भी आपके लिए लॉयल होता है, लेकिन वो संकेत बहुत पॉजिटिव होते हैं। और अगर नेगेटिव भी मिलते हैं ना, तो उसमें भी आपको पॉजिटिविटी दिख जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, चैनल से कनेक्ट हो जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड एंजल थेरेपी ज्वाइन करना है तो प्लीज आप लोग दिन में मैसेज किया कीजिए। इसको ज्वाइन करने से बहुत लोगों का सवाल होता है, लाइफ में होता क्या है, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आता है, आप जो भी चाहते हैं मैनिफेस्ट कर पाते हैं, आप जिस तरह का अपने रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट कर पाते हैं। ओवरऑल आपकी पूरी लाइफ बैलेंस में आ जाती है, मनी का फ्लो बढ़ जाता है। तो अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, तो आज ही इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और देखिए आपकी लाइफ में कैसे मिराकल्स होता है। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। खुद का ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए, और किसी भी तरह का डाउट है तो क्लियर करने के लिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी है skywings222, वहाँ फॉलो कीजिए और अपना सारा डाउट क्लियर कीजिए, या फिर आप कोर्स भी वहीं से ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलवेज ब्लेसिंग्स, बाय।